देन हम दूसरा एग्जाम्पल ले, राइट, और ये एग्जाम्पल जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन का रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसे कंडीशंस न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में बन सकती हैं जहां पे हमें ये पता करना हो कि वाकई इस आदमी ने इनहेल किया या नहीं किया। कोई चीज मान लो कि रेडियो एक्टिविटी इनहेल कर लिया या इनटेक कर लिया। एक तो न्यूक्लियर मेडिसिन के डेली ऑपरेशन के साथ होता है, आयोडीन में जा रहे हो आप दवाई पिलाने के लिए, हाइपर इनहेल हो सकता है, करेक्ट। ऐसा हो सकता है किसी ने टच कर दिया, रेडियो एक्टिविटी टच किया, कंटामिनेशन हो चुका है, राइट, और वो खाने पीने के साथ मिक्स हो गया, आपके हाथ में है, लगा हुआ है, नाउ यू हैव मिक्स्ड, हाथ से यूज करो खाना खाने के लिए, तो वो उसके साथ मिक्स हो सकता है, बॉडी में जाएगा, सस्पिशन वहां पे है। ये दो दो कंडीशन, तीसरा कंडीशन, आप साइक्लोट्रोन में काम करते हैं, साइक्लोट्रोन में जब आप काम करते हैं तो उसमें क्या है, जो जो उसका साइक्लोट्रोन का वॉल्ट जो है, दो तरह के साइक्लोट्रोन होते हैं, एक सेल्फ सिलर साइक्लोट्रोन है और एक जो है वो बंकर टाइप का साइक्लोट्रोन। तो सेल्फ सिलर साइक्लोट्रोन जो होता है वो बिल्कुल क्लोज होता है एक तरह से, और बंकर टाइप का जो होता है वो क्लोज नहीं होता, करेक्ट। अब क्या है कि वहां पे क्या है, टारगेट है, टारगेट को क्या कर रहा है कि आपका जो बीम जो है उससे आप इरेडिएट करते हो, हाई एनर्जी बीम से इरेडिएट करते हो जिससे वो रेडियो एक्टिव बनता है, और इस प्रोसेस में जो रिएक्शन जो होता है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। कई बार जो प्रोडक्ट्स उससे भी होते हैं, आर्गन, आर्गन भी बनता है जो आप इनहेल कर सकते हो यदि आप अंदर गए हैं बॉडी में। तो तीसरा चीज, आप वहां से एक्टिविटी ट्रांसफर हो गई और आप काम कहां पर कर रहे हैं, रेडियो फार्मेसी में काम कर रहे हैं, F18 पे। F18 जब जब बनता है तो उसमें बॉइलिंग होती है, उसमें तब जाकर के F18 FDG के साथ टैग होता है। उस समय पे मान लो किसी भी कारण से रेडिएशन लीक हो जाए, लीक होएगा तो पूरे एनवायरमेंट में फैलेगा, जो लोग वहां पे होंगे उनके इनहेल करने की पॉसिबिलिटीज है, राइट। यदि इनहेल कर लिया तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन क्या है, यदि लंग्स में आया तो आप तो एक तो इमेजिन करके देख सकते हो कि लंग्स में गया नहीं गया, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ पे गया होगा। एक तो होल बॉडी काउंटर यूज करते हैं, वो वहां पे स्कैन करके देख लेते हैं, और थ्रोट जो बायोसिमेज जो आता है, यूरिन सैंपल कलेक्शन आता है। स्पेशली जब नेशनल डिजास्टर्स होगा उस समय पे सबकी नजर न्यूक्लियर मेडिसिन वालों पे होती है, बिकॉज वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट्स which can help them in the identification of intake of radionuclides, correct? तो उस केस में भी आपको कई बार जो होल बॉडी स्कैनिंग ये तो करनी ही पड़ती है, और उसमें यूरिन सैंपल भी लेते हैं कि लास्ट में वो यूरिन में तो जाएगा, करेक्ट। तो उसी से यूरिन सैंपल ले रहे हो, उसी से रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम है। अब क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि यूरिन टू मॉनिटर पॉसिबल इंटेक्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या क्या किया जाता है, द यूरिन ऑफ रेडिएशन वर्कर्स इज समटाइम्स टेस्टेड बाय काउंटिंग फॉर हाई रेडिएशन कंटेंट, कि जो भी सैंपल लिया जाता है यूरिन का और उसमें ये देखा जाता है कि इसमें यूरिन में रेडियो एक्टिविटी का कॉन्टेंट जो है कहीं ज्यादा तो नहीं है, करेक्ट, उसके लिए काउंट करते हैं। बोल रहा है एट सर्टेन इंस्टॉलेशन, मान लो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन है जहां पे आप काम कर रहे हो, क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्ट प्रोसीजर जो है, राइट, टेस्ट प्रोसीजर विल फॉल्सली डिक्लेयर हाई कॉन्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल स्पेसिमेन व्हेन इट शुड नॉट, उसको नहीं करना चाहिए, फॉल्स नहीं करना चाहिए जब एक्चुअली उसमें हाई कॉन्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, हाई कॉन्टेंट दिखाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, 0.10, करेक्ट, समझ गए, 0.10 है। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहे, इन वन सर्वे, एक सर्वे किया
और उस सर्वे में क्या देखा कि स्पेसिमेन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 20 वर्कर्स, 20 लोगों का हमने क्या करा एक सैंपल लिया है और उसमें से देखा कि 5 लोगों के काउंट जो थे फाइंडिंग्स जो थी सॉरी 5 लोगों का स्कोर जो था वो हाई रेंज में था। हमने 20 लोगों का सैंपल लिया एक ग्रुप में, हमें डाउट था, डाउट है, वी डोंट नो, इसीलिए कर रहे हैं हम टेस्ट कि भाई हाई कंटेंट यदि आएगा इसका मतलब सिग्निफिकेंट है, उसके लिए मुझे ट्रीट करना पड़ेगा उस पेशेंट। अब 20 में से 5 लोगों का हाई कंटेंट आएगा और उसको गलत रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.10 है, करेक्ट। तो उस केस में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुड दिस बी ए रैंडम अकरेंस, क्या ये बाई चांस हो गया कि 5 लोगों में हाई कंटेंट आ गया, या वाकई में उनमें हाई कंटेंट था? हम क्या डिसीजन लें, बच्चों की और डिसीजन, हमें किधर की तरफ जाना चाहिए? इस प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देयर आर टू मेथड्स एट लीस्ट टू एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल है, कॉमन सेंस लगाएं, एक्सपेक्टेशंस निकालें, वेरियंस निकालें, फिर प्रोबेबिलिटी निकालें कि 5 लोगों के आने की, ऐसे करके कर सॉल्व कर सकते हैं। बट हम फाइनली इस प्रॉब्लम को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल जो हमने लिया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले चैप्टर में लिया, करेक्ट। अब देखो कोई भी हमने बोला पहला जो जो एग्जाम्पल जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने क्या बोला था कि सबसे पहला काम आपका क्या होगा, देखना पड़ेगा कि कंडीशन फॉर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। यदि वो फुलफिल हो रहा है देन वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में जो भी हमें लिया गया है उसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं, करेक्ट। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आउटकम हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, राइट। अब आउटकम बंदी कर दो, रुक जाओ कम से कम। पहला कंडीशन क्या है कि आउटकम हैज 2 पॉसिबिलिटीज, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है हमारे क्वेश्चन को? कैसे, या तो हाई काउंट आएगा नहीं आएगा, राइट। ठीक है, एक कंडीशन हो गया, आप टेस्ट कर रहे हो तो हाई काउंट आएगा या नहीं आएगा, दो ही चीज हो सकता है, राइट। दूसरा दूसरा कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर आउटकम इज कॉन्स्टेंट ट्रायल वेट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है? कैसे, ये तो सीखना है, कैसे फुलफिल हो रहा है? आपके पास क्या आ रहा है, दो आउटकम थे, आउटकम वन क्या था, yes, जो हाई कंटेंट हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है फॉल्सली डिक्लेयर करने के लिए प्रोबेबिलिटी, राइट। वो गलत भी जो भी करेगा वो कितनी है उसकी, 0.10 उसकी है प्रोबेबिलिटी गलत करने की, राइट की 0.9, राइट, और राइट करने की 0.90, राइट। और ये ट्रायल टू ट्रायल बेसिस में ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मशीन है, मशीन का हमें पता है कि मशीन जो है और 10% ऑफ द टाइम 0.1 टाइम जो प्रोपोर्शन ऑफ टाइम वो क्या करेगा, वो गलत रिपोर्ट दे सकता है जबकि एक्चुअली में हाई काउंटिंग नहीं है, करेक्ट, सही है। तो इसलिए दूसरा भी सही हो गया। थर्ड, नंबर ऑफ ट्रायल इज फिक्स्ड, क्या कैसे, ये वाला कम कंडीशन कैसे फुलफिल हो रहा है, 20 वर्कर्स एंड आउट ऑफ 25 जो ट्रायल, तो क्या है ये, इसमें से नंबर ऑफ ट्रायल इज फिक्स्ड, तो इसमें कौन सा ट्रायल कौन सा है, 5 पे ही हम करना,
5 वर्कर्स पे करना है. नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 20. यस सर, नंबर ऑफ ट्रायल 20. सक्सेस जो है वो देखना है 5 कि भाई हाई कंटेंट को देखना है तो उस केस में हाई कंटेंट 5 लोगों का है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो 20 हो गया. ये भी चीज फिक्स्ड है, करेक्ट. और फोर्थ पॉइंट क्या है, रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. रिपीटेड ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है या एक प्रोबेबिलिटी जो है कि गलत हो जाने की वो चेंज नहीं हो रही है एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल्स पे, तो यही है ना डिटेक्शन किया, वो चीजें चेंज नहीं हो रही है. मतलब कि उसमें से कोई भी जो होगा आउट ऑफ 20 किसी का भी हाई कंटेंट आ सकता है, और एक का हाई कंटेंट आ गया तो नेक्स्ट का हाई कंटेंट आएगा या नहीं आएगा मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट है. तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में बाइनोमियल यूज कर सकते हैं, करेक्ट. अब हमें क्या देखना है कि इस डिसीजन को लेने के लिए कि वो रैंडम चांस है या नहीं है. 5 के ज्यादा होने की हाई कंटेंट इस मशीन के साथ जो है, जो कंडीशन जो दिया गया है उसमें 5 से ज्यादा लोगों का करेक्ट हाई कंटेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें जाकर के कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना एक कंडीशन से, राइट. और तब जाकर के हम डिसीजन लेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, मतलब गलत डिटेक्ट करने की, या वाकई में लोगों ने ऐसा लिया होगा, करेक्ट. एलिवेटेड कंसर्न है हमारा, वी शुड टेक डिसीजन, करेक्ट. समझ में आगे बात. तो हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की देखनी पड़ेगी ना. या कम से कम इक्वल, ये चाहिए ना, मतलब जो नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है. हम क्या मान रहे हैं, लेट एक्स जो है एक्स बी द नंबर ऑफ ए स्पेसिमेन दैट द प्रोसीजर डिक्लेयर्स टू हैव हाई कंटेंट. हम मान ले रहे हैं कि एक्स एक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक ऑब्जर्विंग एग्जैक्टली एक्स हाई रिजल्ट्स, राइट. और बाइनोमियल से हमने बनाया, जो स्मॉल बी से बाइनोमियल का शुरू करते हैं, तो एग्जैक्टली एक्स के आने की प्रोबेबिलिटी, राइट, इन एन ट्रायल व्हेन पी इज द सक्सेस ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो है सक्सेस होने की, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा मेरे लिए. लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, देखो हम क्या चाहते हैं, आवर कंसर्न इज वेदर एनी रिजल्ट एज लार्ज एज 5 should occur randomly in the absence of elevated intent. मतलब हमारा concern ये है कि elevated intent नहीं है, नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 5 लोगों के at least as large as 5, उसमें से 20 लोगों में से 5 लोगों का जो radiation content जो है वो high आ सकता है, correct. वो जानना जरूरी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ना बेसिकली, करेक्ट. एज लार्ज आवर कंसर्न इज वेदर एनी रिजल्ट एज लार्ज एज 5 शुड अकर रैंडमली. ये रैंडम है क्या, बाय चांस ऐसा हो सकता है क्या कि उन्होंने रेडियो एक्टिविटी इंटेक ना हुआ हो फिर भी 5 लोगों का ऐसा हाई कॉन्टेंट आ जाने का चांस हो सकता है, रैंडम हो सकता है क्या, ये जानना चाहते हैं. यदि रैंडम हो सकता है तो कोई बात नहीं है, हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन यदि वो रैंडम नहीं है, सिग्निफिकेंट है, तो उस केस में मुझे एक्शन लेने की जरूरत है. दस अब हम क्या कर रहे हैं, क्या बोला, एज लार्ज एज 5 की बात करनी है.
मतलब एज लार्ज एज फाइव, मतलब पांच से ज्यादा सारे आ गए, इक्वल टू फाइव राइट, और पांच से ज्यादा के सब आ गए. तो देयर फोर वी इवेल्युएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, पांच या पांच से ज्यादा लोगों के राइट हाई आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो निकालना पड़ेगा. तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सारी प्रोबेबिलिटी को पांच से ले स्टार्ट करेंगे और पांच से लेके बीस तक राइट सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे. यहां पे पांच रखेंगे पहले 20 ट्रायल्स में, फिर जो 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 उसको गलत लेबल करने का जो था वो हमारा सक्सेस प्रोबेबिलिटी है राइट. तो 0.10 को ले लिया वैल्यू, तो पहले पांच वाले के लिए प्लस, फिर छह वाले के लिए प्लस, सात वाले के लिए प्लस, आठ वाले के लिए लाइक ऐसे करके हमें निकालना पड़ेगा करेक्ट. और दिस ये पांच वाले से कल भी हम लोग बात कर रहे थे क्या, जब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी बाइनोमियल की, तो उसमें क्या बोला था हमने कि पांच से अधिक का ये प्रोबेबिलिटी है राइट राइट. सो दिस वन विल बी इक्वल टू वन माइनस चार तक का, कि चार के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ गए. कि आउट ऑफ 20 ट्रायल्स चार लोगों के हाई कॉन्टेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है राइट. सो ये इससे बन जाएगा कि चार लोगों के आने की प्रोबेबिलिटी जो हम लोग ऑलरेडी जो फॉर्मूला जो पहले बनाए थे उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे करेक्ट, समझ गए. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस मच राइट, और ये वन में से माइनस अप कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा ओके. सो क्या हुआ, दस इट शुड बी रेयर टू फाइंड फाइव और मोर हाई रिजल्ट इन द ग्रुप इफ नो इंडिविजुअल हैड एक्सपीरियंस्ड एलिवेटेड इंडेक्स. मतलब ये रैंडम नहीं है, क्यों, देखो 0. हम अल्फा क्या लेते हैं, अल्फा डिसीजंस के लिए हम लोग अल्फा लेते हैं ना, अल्फा अल्फा का वैल्यू हमारा क्या होता है जनरली, अल्फा जो हम लोग लेते हैं कितना 0.05, बिल्कुल उसके पास में है. तो इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते. हाई प्रोबेबिलिटी है, ये ज्यादा है प्रोबेबिलिटी, इसलिए ये बोला दस इट शुड बी रेयर टू फाइंड मोर और हाई रिजल्ट, मतलब ये रैंडम चांस नहीं है, समझ गए, सिग्निफिकेंट है ये पांच लोगों का आ जाना. सो इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट, जब उन्होंने नहीं लिया तो फिर भी वैसे आने की प्रोबेबिलिटी जो है पांच लोगों की, ये रेयर इवेंट नहीं है ठीक है. सो आई थिंक वी लैंडेड हियर.